आज अपन देखेंगे 12th क्लास का लेसन सेकंड के क्वेश्चन आंसर आप हैंड हू कैम फ्रॉम द स्काई, एक मित्र जो आकाश से आया। देखें अपन यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी। बालकनी यानी होता है जो छत की गैलरी होती है उसके ऊपर। मिनी क्या देख रहे, क्या कर रही थी। व्हाट वाज मिनी डूइंग, डूइंग का मतलब करना, यानी आई एन जी है सो रही हो जाएगी। इन द बालकनी यानी क्वेश्चन हो गया बालकनी में मिनी क्या कर रही, बता रहे हैं कि क्या कर रही थी। सी वाज वाचिंग, सी यानी वह, वाज यानी था या थी, वाचिंग यानी देख रही थी। द चिल्ड्रन बच्चों को, प्लेइंग यानी खेलते हुए। इन द पार्क यानी पार्क में, आउटसाइड यानी जो बाहर, उस यानी बालकनी के बाहर बना था एक आउटसाइड प्ले ग्राउंड यानी खेल का मैदान, वहां पे बच्चों को खेलते हुए दिख रही थी। प्लेइंग इन द पार्क यानी जो बगीचा होता है उसमें। क्वेश्चन है ये तीसरा, व्हाट डिसएबिलिटी डिड शी हैव। व्हाट आने क्या, डिसएबिलिटी यानी असमर्थता, सी आने उसमें, हैव आने होना, यानी उसमें कौन सी असमर्थता थी, यानी जैसे अपन बोलते हैं विकलांगता, तो वो क्या थी। सी वाज आ स्पैस्टिक एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग। तो यहाँ पे देखें, सी वाज आ स्पैस्टिक का मतलब होता है पक्षाघात, जैसे अपन लकवा बोलते हैं वो लगा था। एंड और हैड नो आने नहीं था, क्या नहीं था, कंट्रोल आने नियंत्रण, ओवर हर हैंड्स आने अपने हाथों पर, एंड लेग्स सिंस बर्थ कब से, जन्म से, आने जन्म से उसका अपने हाथ पैरों पर कंट्रोल नहीं था, उसे क्या था, पक्षाघात था, जिसे अपन लकवा को बोलते हैं। और अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, बीइंग स्पेस्टिक, बीइंग आने होने से, स्पेस्टिक आने पक्षाघात। व्हाट कुड मिनी डू एंड व्हाट कुड सी नॉट। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट कुड आने सकती थी, मिनी डू आने मिनी क्या कर सकती थी, एंड व्हाट कुड सी नॉट और वह क्या नहीं कर सकती थी। अपन ही बताना है कि मिनी हो जब पक्षाघात हो गया था तो वो क्या कर सकती थी, क्या नहीं कर सकती थी। यहाँ पे देखें, बीइंग स्पेस्टिक पक्षाघात होने से मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी क्या नहीं कर सकती, चल नहीं सकती थी। नॉर बटन अप हर शर्ट और ना ही वो अपने शर्ट के क्या कर सकती थी, बटन लगा सकती थी। बट सी कुड क्रियोल, किंतु वह क्या कर सकती, क्रियोला ने रेंग सकती थी। एंड ब्रश हर टीथ और अपने दांतों को मंजन कर सकती थी। एंड यूज अ स्पून टू ईट और क्या कर सकती थी, चम्मच का उपयोग खाने के लिए कर सकती थी। सी कुड आल्सो हर यूज हर व्हील चेयर और वो क्या उपयोग कर सकती थी, अपनी चेयर का उपयोग कर सकती थी। आगे का क्वेश्चन देखें, व्हाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर, यानी जो आस पड़ोस के बच्चे थे उसके साथ मित्रता का व्यवहार क्यों नहीं करते थे, ये देखें। तो आंसर है द नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब होता पड़ोसी। द नेबरहुड चिल्ड्रन डिड नॉट बिकम फ्रेंडली यानी उसके साथ मित्रतावत व्यवहार नहीं करती थी, फ्रेंडली विथ हर, क्योंकि बिकॉज यानी क्योंकि, दे वर बिजी, वे क्या रहते थे, दे वर बिजी यानी व्यस्त रहते थे। विथ आने साथ में, कौन के, देयर ओवन गेम यानी वे अपने गेमों में बिजी रहते थे। एंड स्कूल, क्योंकि जो अन्य बच्चे थे नेबरहुड यानी पड़ोस के, वे इससे फ्रेंडली यानी मित्रवत व्यवहार नहीं रख पाते क्योंकि वे अपने गेम में और स्कूल में बिजी रहते थे। आगे के जो क्वेश्चन आंसर हैं दूसरे यानी वीडियो आएगा उसमें देखेंगे, यानी ये अपन लगभग 2 में या 3 में समाप्त कर देंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा देखें और बताएं सभी को, और जो समझ में नहीं आए तो सभी के पास हमारा फोन नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।